नशे और तनाव की वजह से जिले में दिन ब दिन अवसाद के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। हैरानी की बात यह है कि इसके सबसे ज्यादा शिकार युवा हो रहे हैं। मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेश कुमार की माने तो नशा और पढ़ाई के बढ़ते दबाव के साथ ही नौकरी व बदलती जीवन शैली की वजह से ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। उन्होंने बताया कि जब एक व्यक्ति ठीक से सोच नहीं पाता, उसका अपनी भावनाओं और व्यवहार पर काबू नहीं रहता, तो ऐसी हालत को मानसिक रोग कहते हैं। मानसिक रोगी आसानी से दूसरों को समझ नहीं पाता और उसे रोजमर्रा के काम ठीक से करने में मुश्किल होती है। उन्होंने बताया कि मानसिक रोग के लक्षण हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकते हैं। ये इस बात पर निर्भर करते हैं कि इसे कौन सी मानसिक बीमारी है। मानसिक रोग किसी को भी हो सकता है, फिर चाहे वह आदमी हो या औरत, जवान हो या बुजुर्ग, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, या चाहे वह किसी भी संस्कृति, जाति, धर्म या तबके का हो। अगर मानसिक रोगी अच्छी तरह अपना इलाज करवाए तो वह ठीक हो सकता है, वह एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी जी सकता है। लेकिन ज्यादातर केस में लोग काउंसलिंग करवाने से डरते हैं कि लोग उन्हें पागल समझेंगे और समस्या बढ़ जाती है। उनका कहना है कि यदि जीवन शैली में बदलाव कर युवा यदि व्यायाम और योग के साथ नशे की लत को छोड़ दे तो इस बीमारी का उपचार संभव है। डॉक्टर ने कहा कि सोशल मीडिया भी अवसाद की एक बड़ी वजह बनी हुई है। दिन भर युवा सोशल मीडिया पर व्यस्त रहते हैं, ऐसे में उन्हें इसकी वजह से अवसाद के साथ ही एंग्जाइटी, इंसोम्निया, सोशल स्टिग्मा और ओसीडी जैसी गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले ये जानना चाह रहा था सर, आजकल का जो युवा है वो लगातार डिप्रेशन और तनाव का शिकार हो रहा है। अक्सर देखने में आ रहा है कि ये मामले आत्महत्या तक पहुंचते जा रहे हैं, इनके आंकड़े दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आखिरकार इनके पीछे कारण क्या हो सकता है? वैसे तो डिप्रेशन आज के समय में एक बहुत कॉमन बीमारी का रूप धारण कर चुका है। हर तीसरा व्यक्ति डिप्रेशन से किसी न किसी रूप में शिकार है और युवा वर्ग का एक इसके अंदर बहुत ज़्यादा शिकार होने का वजह है कि एक तो नशे की तरफ हमारा युवा वर्ग जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और नशे की जो बीमारी है जो हमारे समाज के अंदर बहुत ज़्यादा गहराई तक जा चुकी है और युवा वर्ग इसकी तरफ बहुत तेज़ी से आकर्षित हो रहा है। दूसरा, इसमें युवा वर्ग की जो एक्सपेक्टेशंस हैं बहुत ज़्यादा हैं, वो बहुत कम समय में बहुत सारी चीज़ें पाना चाहते हैं। जो बड़े बुजुर्गों ने बड़ी लंबी मेहनत के बाद जो चीज़ें पाई हैं उन्हें वो चीज़ें आज ही और अभी तुरंत चाहिए उन्हें, जिसकी वजह से जब वो पूरी नहीं होती तो उनका झुकाव नशे की तरफ चले जाना या अवसाद की तरफ चले जाना होता है, जिसका नतीजा बीमारी के रूप में सामने आता है, जिसको बहुत बार वो लोग स्वीकार भी नहीं कर पाते कि हम लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं और वो अक्सर ऐसी हालात में नशे की तरफ जा चुकते हैं। तीसरी बहुत बड़ी वजह है हमारा सोशल मीडिया, मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। छोटे परिवार हैं, आमतौर पर बच्चे भी बहुत ज़्यादा समय मोबाइल पे इस्तेमाल करते देखे जा सकते हैं। आमतौर पर पेरेंट्स समझते हैं कि ठीक है, बच्चा मोबाइल लेके शांति से बैठा है, कोई बात नहीं, हमारी ज़िंदगी में दखल नहीं दे रहा, हमें अपने काम करने दे रहा है, वो अपने शांति से बैठा है, लेकिन वो अनजाने में बच्चे को अवसाद की तरफ, मानसिक बीमारी की तरफ धकेल रहे होते हैं। सर, क्या ये अवसाद की बीमारी ख़त्म हो सकती है या इसका इलाज संभव है? अवसाद की बीमारी का इलाज संभव है। अवसाद की बीमारी मोटे तौर से दो वजह होती हैं, एक तो कोई बाहरी कारण और एक दिमाग का अपनी अंदरूनी वजह। बाहरी कारण में नशा, कोई किसी तरह से फेल्योर लाइफ में, कहीं एडजस्टमेंट परिवार के बीच में, जॉब को लेके, पैसे को लेके कोई एडजस्टमेंट, ये सब चीज़ें बाहरी वजह हैं जिसका कोई ना कोई, जो सिर्फ एक टेम्परेरी होते हैं, जिसका कोई सोल्यूशन निकाल दिया जाए और ऐसे मरीज को कुछ दवाई दे दी जाए और साथ में थोड़ा सा काउंसलिंग हो जाए तो ऐसे मरीज बड़ी जल्दी बाहर आ जाते हैं। दूसरा, जो अंदरूनी वजह दिमाग की, जिसके अंदर कई बार डिप्रेशन जो है आनुवंशिक तौर से परिवार दर परिवार चलता रहता है, उनके अंदर थोड़ा सा जो दवाइयों के साथ में है डिपेंडेंसी थोड़ी ज़्यादा होती है और साथ में काउंसलिंग, ये जब चीज़ें चलें तो उसके साथ में इसका इलाज पूरी तरह संभव है। थोड़ा सा इलाज इन बीमारियों में वैसे नहीं होता कि 5 दिन 7 दिन दवाई खा ली और दवाई उठा के बंद कर दी जाए, थोड़ी दवाइयाँ लंबी चलती हैं, लेकिन इन बीमारियों का निदान हो सकता है। हमारे समाज में अवेयरनेस बढ़ रही है इन चीज़ों को लेके, परंतु अभी भी अवेयरनेस की कमी है, जिसकी वजह से अक्सर ये देखा जाता है कि ऐसे मरीज या तो परमानेंट अंधेरे की ज़िंदगी जी रहे होते हैं या सुसाइड कर लेते हैं या काम धंधा छोड़ के आराम से अपने घर पे बैठे एक शांति से बिल्कुल पड़े रहते हैं एक कोने के अंदर, जिसका नतीजा एक किसी न किसी
पारिवारिक नुकसान के रूप में या पैसे के रूप में या फाइनेंस के रूप में निकलता है। इसकी वजह से कई बार परिवार की आर्थिक तंगी बढ़ती चली जाती है इस वजह से। सर अंत में समाज के लिए आपका क्या संदेश रहेगा कि अगर किसी के घर में ऐसा कोई माहौल पैदा है या किसी के घर में ऐसा कोई बच्चा है, क्या उसे तुरंत हॉस्पिटलाइज करना चाहिए या डॉक्टरी चिकित्सा? अक्सर देखने में आता है कि लोग बाबों में झाड़ फूक में ज़्यादा विश्वास करते हैं। इस बीमारी का इलाज संभव है, पूरी तरह से ये बीमारी ठीक हो जाती है। जो इसमें अंत में संदेश में यही देना चाहूँगा कि जब भी हमें ये लगे कि किसी मरीज का व्यवहार में कोई बदलाव आ रहा है और हमें ये लगता है कि ये अवसाद या किसी अन्य बीमारी से पीड़ित हो सकता है, तो उसको तुरंत मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास सलाह लेने के लिए जरूर जाना चाहिए। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो उसका कारण जानने की कोशिश करते हैं और आपको उसका तरीका बताते हैं किस किस तरीके से इस बीमारी का ठीक होना संभव है, किस किस की मदद किस तरीके से चाहिएगी इसमें, और उस तरीके से यदि उसकी सलाह के अनुसार इलाज किया जाए तो ये बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। हमें निरंतर अपने परिवार के साथ, यार दोस्तों के साथ, साथ की उम्र के लोगों के साथ में बातचीत करते रहना चाहिए। और कुछ भी हमें ये लगता है कि कहीं से भी हमें थोड़ा बहुत अंदर से मन को परेशानी हो रही है तो तुरंत मानसिक रोग विशेषज्ञ की सलाह ले लेनी चाहिए। और यदि उन्हें यह लगता है कि इसमें किसी मेडिसिन की जरूरत है या काउंसलिंग की जरूरत है तो जो भी इसमें नीड है वो उसमें यदि पूरी हो जाए शरीर की, तो उसमें ये बीमारी पूरी तरह से ठीक हो सकती है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।